हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन की चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसमें से चैप्टर चल रहा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें से टॉपिक है श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें से रेस्पिरेटरी सिस्टम का यह दूसरा वीडियो है यानी कि एनाटॉमी का यह 18वां वीडियो है। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे सभी वीडियोस सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो भी बिल्कुल फ्री में दोस्तों। एंड 100 से ज़्यादा वीडियोस प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन के भी बनाए गए हैं। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन है कि आराम की स्थिति में डायफ्राम और सीना लगभग कितना फूलता है। तो आराम की स्थिति में यह 5 से 11 सेंटीमीटर फूलता है। कितना फूलता है? 5 से 11 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्यास के दौरान सीना और डायफ्राम कितना फूलता है। तो अभ्यास के दौरान यह 2 से 10 सेंटीमीटर फैलता है। कितना फैलता है? 2 से 10 सेंटीमीटर। यानी क्यों क्यों 2 से 10 सेंटीमीटर, जबकि आराम के समय 5 से 11 सेंटीमीटर और अभ्यास के दौरान 2 से 10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि आराम से जब सांस लेते हैं तो ज्यादा डायफ्राम फैलेगा तो ज्यादा वायु अंदर जाएगा, और जल्दी जल्दी सांस लेंगे यानी कम ही फैल रहा है, कम फूल रहा है। तो जब अभ्यास हम किसी चीज़ का करते हैं तो जल्दी जल्दी सांस हम लेते हैं, उस दौरान हमारा जो डायफ्राम और सीना होता है कम फूलता है। नेक्स्ट दोस्तों, लगातार अभ्यास करने से रक्त में किसका प्रतिशत बढ़ जाता है? तो WBC का, प्लाज्मा का, हीमोग्लोबिन का, इन सभी का प्रतिशत बढ़ जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, सबसे कम श्वसन दर कब होती है? तो जब हम सोते हैं तो सबसे कम श्वसन दर होता है, क्योंकि उस समय हम आराम से सांस लेते हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट दोस्तों, मनुष्य में श्वास में बाहर जाने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों, जब हम सांस लेकर के बाहर जब वायु को भेजते हैं यानी कि एक्सपायरेशन करते हैं इंस्पायरेशन के बाद, तो 16% ऑक्सीजन जो है वह बाहर निकलता है, जबकि अंदर जाते समय कितना ऑक्सीजन जाता है? 21%। बाहर कितना निकलता है? 16%। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, फेफड़े यानी लंग्स का बाहरी स्तर बना होता है, किसका बना होता है? प्लूरल झिल्ली का यानी कि प्लूरल मेम्ब्रेन का। नेक्स्ट दोस्तों, फेफड़ों ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना किसके प्रभाव में होता है? फेफड़ों में जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है वो किसके प्रभाव में बनता है? तो यह रुधिर में PO2 का प्रतिशत बढ़ने से बढ़ता है। ठीक है, PO2 मतलब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट दोस्तों, बाहर का प्रभाव किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो बाहर का प्रभाव जो होता है वह बढ़े हुए PO2 व pH तथा कम PCO2 से होता है। PO2 मतलब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, PCO2 यानी परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बढ़े हुए PO2 एंड pH तथा कम हुए CO2 से होता है। नेक्स्ट है, फेफड़ों से लौटने वाले रुधिर में ऑक्सीजन प्रतिशत यानी PO2 100 mmHg है। यदि यही ऑक्सीजन प्रतिशत उत्तक में हो जाए तो जंतु की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इसका अर्थ क्या है? क्योंकि इसका अर्थ है कि कोशिकाएं उत्तक द्रव से ऑक्सीजन नहीं ले रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, रुधिर के PO2 बढ़ने पर हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन से मिलने की सामर्थ्य क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब रुधिर में PO2 बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन से मिलने वाली जो सामर्थ्य होती है वह बढ़ जाएगी। PO2 मतलब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट दोस्तों, RQ का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों, RQ का अर्थ होता है रेस्पिरेटरी क्वेटेंट।
क्या अर्थ होता है? रेस्पिरेटरी क्वेटेंट, आर क्यू का अर्थ होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, आर क्यू में यानी कि रेस्पिरेटरी क्वेटेंट यानी श्वसन गुणांग या श्वसन लब्धि भी इसको कह सकते हैं। तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है आरक्यू, रेस्पिरेटरी क्वेटेंट यानी कि उत्सर्जित CO2 तथा प्रयोग में आई O2 का अनुपात। समझे? उत्सर्जित CO2 यानी कि जो बाहर निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड, जो उपयोग में आ रही है ऑक्सीजन, उस दोनों का अनुपात थी आरक्यू कहलाता है, यानी रेस्पिरेटरी क्वेटेंट बोला जाता है। यानी कि इसका सूत्र होता है आरक्यू बराबर उत्सर्जित CO2 अपान उपयोग की गई O2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का श्वसन भागफल होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का श्वसन भागफल 1.0 होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के कितने अणु लगे होते हैं? तो इसमें ऑक्सीजन के 4 अणु लगे होते हैं। नेक्स्ट है, जब कोशिका यानी सेल में अवायवी श्वसन यानी अनएरोबिक रेस्पिरेशन के समय ग्लूकोज ऊर्जा उत्पादन के लिए किस पदार्थ में परिवर्तित होता है? तो यह ऊर्जा उत्पादन के लिए तो यह साइटोक्रोम में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकियों में रुधिर यानी ब्लड द्वारा ऑक्सीजन का संवहन होता है। तो किसके द्वारा होता है ऑक्सीजन का संवहन यानी परिवहन? हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को ले लेता है और समस्त शरीर के कोशिकाओं तक इसको पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के एक अंग से यदि 2 अणु पारविक अम्ल बने तो कुल कितने अणु एटीपी का शुद्ध लाभ होता है? तो दोस्तों, जब ग्लूकोज के एक अंग का जारण होता है तो 2 पारविक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, पारविक अम्ल के 2 अणु का निर्माण होता है तथा 4 एटीपी का निर्माण होता है, जिसमें से 4 एटीपी का जो निर्माण होता है उसमें से 2 एटीपी विभिन्न क्रियाओं में खर्च हो जाता है और जो 2 एटीपी होता है वो शुद्ध लाभ होता है। इसलिए कहा जाता है कि अवायवी श्वसन यानी अनएरोबिक रेस्पायरेशन यानी ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में कितने एटीपी बनते हैं? तो 2 एटीपी, और क्रेब्स चक्र में 36 एटीपी, पूरा मिलाकर के एक ग्लूकोज के जारण से 38 एटीपी बनता है। तो यहाँ भी पूछा है कि ग्लूकोज के एक अंग से यदि 2 पारविक अम्ल बने तो कुल कितने अणु एटीपी शुद्ध लाभ होता है, कितने अणु का? तो 2 एटीपी। ठीक है, 2 एटीपी का शुद्ध लाभ होता है। वही पे आपको क्रेब्स चक्र में पूछेगा तो 36 एटीपी, एक ग्लूकोज के संपूर्ण जारण से पूछेगा तो 38 एटीपी, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, फेफड़ों से उत्तकों तक जाने व वापस लौटने के एक चक्र में हीमोग्लोबिन द्वारा कितनी ऑक्सीजन की मात्रा निकलती है? तो 25%। नेक्स्ट है दोस्तों, साइट्रिक अम्ल चक्र में ऑक्सीलोएसिटिक, ठीक है, साइट्रिक अम्ल चक्र में ऑक्सेलोएसिटिक अम्ल बनने से पूर्व पायरुविक अम्ल का परिवर्तन किस पदार्थ में होता है? यानी साइट्रिक अम्ल चक्र किसको कहा जाता है? साइट्रिक अम्ल चक्र क्रेब्स चक्र को कहा जाता है। जैसे कि क्रेब्स चक्र को साइट्रिक अम्ल चक्र या बाइकार्बोक्सिलिक चक्र भी कहा जाता है। तो जो साइट्रिक अम्ल चक्र में यानी क्रेब्स चक्र में ऑक्सीलो एसिटिक अम्ल बनता है उसके पूर्व पारविक अम्ल का परिवर्तन किस पदार्थ में होता है? तो उसका आपका परिवर्तन होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। जैसा कि दोस्तों, जब हीमोग्लोबिन
ऑक्सीजन को लेकर के जाता है कोशिकाओं तक, तो वह पहले सबसे पहले कोशिका द्रव्य में पहुंचता है। कोशिका द्रव्य में क्या होता है, एक ग्लूकोज से दो पाइरूविक अम्ल बनता है और दो पाइरूविक अम्ल से चार एटीपी का निर्माण होता है, जिसमें से शुद्ध एटीपी वाली टू प्राप्त होता है, दो का अन्य चीजों में खर्च हो जाता है। तो यही दो पाइरूविक अम्ल फिर जाता है आपके माइटोकांड्रिया में, और माइटोकांड्रिया में जा करके यह 36 एटीपी का निर्माण करता है। और इस प्रकार क्या होता है कि एक ग्लूकोज से संपूर्ण जारण से 38 एटीपी का निर्माण होता है, दो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया से और दो क्रेब्स चक्र से, जो माइटोकांड्रिया में संपन्न होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, फेफड़ों से बाहर आए रुधिर का सारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन युक्त है। उत्तकों में ये ऑक्सीजन देता है, क्योंकि दोस्तों जो फेफड़ों से बाहर आए रुधिर का जो सारा द्रव सारा हीमो जो रक्त होता है, जो सारा हीमोग्लोबिन होता है, वह ऑक्सीजन युक्त होता है। जैसे कि जो हमारे हृदय से पल्मोनरी धमनी जो होता है फेफड़ों में जाती है, पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है जो फेफड़ों के पास जाती है शुद्ध होने के लिए, जहाँ पे एल्वोलाई से भेंट होता है उसका, ठीक है, मुलाकात होता है। तो एल्वोलाई क्या करता है कि ऑक्सीजन को रक्त को दे देता है, रक्त में से जो अशुद्ध रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको ले लेता है। तो इसका हीमोग्लोबिन जो रक्त का होता है वो ऑक्सीजन को ले लेता है एल्वोलाई से। तो यहाँ पे पूछा है कि फेफड़ों से बाहर आए रुधिर का सारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन युक्त होता है, उत्तकों में यह ऑक्सीजन देता है। फिर यह ऑक्सीजन कहाँ देता है, उत्तकों में देता है। क्योंकि क्यों देता है, क्योंकि फेफड़ों की तुलना में उत्तकों में CO2 की सांद्रता अधिक होती है, वह O2 की सांद्रता कम होती है। तो इसलिए जिधर सांद्रता कम होती है वस्तुएं उसी जो गैस और हवा होती है वो उसी तरफ जाती है, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो जब वहाँ उत्तकों में निम्न दाब है ऑक्सीजन का और CO2 का ज्यादा दाब सांद्रता है, तो जिसका निम्न होगा उस तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तकों की तरफ जो ऑक्सीजन का सांद्रता है कम है, इसलिए ऑक्सीजन उत्तकों में ले जाया जाता है हीमोग्लोबिन के द्वारा, और वहां से CO2 आता है रक्त के द्वारा पुनः हृदय में, और फिर जाकर के फेफड़ों में शुद्ध होकर के पुनः पल्मोनरी सिराओं के द्वारा बाएं अलिंद में, फिर बाएं नीलय में, फिर एरोटा यानी महाधमनी के द्वारा समस्त शरीर में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड व जल में विखंडन अंत में कहाँ होता है। तो दोस्तों ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन अंत में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि जो पाइरूविक अम्ल बनता है, जो आपका ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होता है कोशिका द्रव्य में, उसमें क्या होता है, उसके फलस्वरूप CO2 और एथिल अल्कोहल बनता है और लैक्टिक एसिड तथा कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। क्योंकि माइटोकांड्रिया में क्या होता है, उसके परिणाम स्वरूप CO2 तथा जल तथा काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी कारण ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं। इस प्रकार इसमें ग्लूकोज प्लस O2 से क्रिया करके CO2 प्लस H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल में इसका विखंडन होता है। अंत में कहाँ होता है, तो माइटोकांड्रिया में होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और माइटोकांड्रिया में कोशिकीय श्वसन द्वारा कितने ATP का निर्माण होता है, 36, और ग्लाइकोलाइसिस में 2, 36 प्लस 2 यानी कि संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया में 38 ATP यानी एक ग्लूकोज के पूर्ण जरण से 38 ATP का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निःश्वसन की अवस्था में डायफ्राम सिकुड़ता है कि फैलता है कि अपरिवर्तित रहता है, कि इसमें से कोई नहीं। निःश्वसन यानी इंस्पायरेशन यानी कि सांस अंदर लेते समय, यानी कि अंदर तभी जाएगा जब वो फैलेगा तभी ना, और जब हम जब वो सिकुड़ेगा तो बाहर आएगा। जैसे आप गुब्बारा को ही देख लीजिए, जब उसमें आप हवा भरते हैं तो वो फूलता जाता है, फैलता जाता है, जब उसमें से हवा निकालते हैं तो वो सिकुड़ता जाता है, सिकुड़ता जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, निःश्वसन इंस्पायरेशन यानी श्वास अंदर लेते समय, इन करते समय जो डायफ्राम होता है वो क्या करता है, फैलता है।
नेक्स्ट है दोस्तों गहरे निश्वसन, यानी कि डीप इंस्पायरेशन, यानी गहरे रूप से हम सांस को अंदर खींचे जोर से, उसके बाद फेफड़ों का अधिकतम निश्वसन, ठीक है, यानी एक्सपायरेशन कहलाता है, यानी कि गहरे रूप से डीप इंस्पायरेशन किए, गहरे रूप से आप सांस को लिए, उसके बाद फिर गहरे रूप से सांस को छोड़ दिए, यानी कि वो पूर्ण श्वसन हो गया, तो इसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी, संजीव क्षमता, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी या जीवन धारिता इसको बोला जाता है। या कितना होता है कप्लीमेंट्री एयर, वाइटल कैपेसिटी बराबर होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस कप्लीमेंट्री एयर प्लस सप्लीमेंट्री एयर, ठीक है, यानी कुल होता है 4.6 ml, 4.6 लीटर, ठीक है, और ml में पूछेगा तो 4600 ml। और टोटल लंग कैपेसिटी यानी कि कुल फेफड़ों की क्षमता कितनी होती है, तो 5.8 यानी कि 5.8 लीटर। नेक्स्ट दोस्तों श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है, तो श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है दोस्तों, श्वसन केंद्र जो होता है मेडुला अब्लांगेटा में स्थित होता है। कहाँ पे होता है, मेडुला अब्लांगेटा में स्थित होता है। जैसे कि दोस्तों मेडुला अब्लांगेटा में जो है कई जैविक केंद्र केंद्रक होते हैं, जैसे कि रेस्पायरेशन यानी कि श्वसन केंद्र, ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण तंत्र, हार्ट रेट, हृदय दर एंड खाने को निगलना, डाइजेशन, ये सभी किसे नियंत्रित होते हैं, किसी शब्द का ठीक प्रकार से उच्चारण करना, ये सभी किसे कंट्रोल होते हैं, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा से, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जैविक ऑक्सीकरण यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है, तो इसमें ऊर्जा निकलती है किस रूप में, एटीपी के रूप में, किस रूप में निकलती है, एटीपी के रूप में। नेक्स्ट है 1 मोल ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण से कितने अणु एटीपी बनते हैं दोस्तों, आंशिक नहीं पूछा है, आंशिक ऑक्सीकरण आपका होता है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में, जिसमें 2 ATP बनता है, और जो संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जिसमें 36 ATP बनता है, इसलिए ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया और जो है माइटोकॉन्ड्रिया क्रिप्स चक्र दोनों मिलाकर के कुल 38 ATP बनते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 मोल ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण से कुल 38 ATP का निर्माण होता है, ठीक है, कुल 38 ATP का। यहाँ पे अलग अलग पूछेगा कि ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में या अवायवीय श्वसन में या एनएरोबिक श्वसन में कितने एटीपी बनते हैं, तो 2। या आपका पूछेगा कि क्रेब्स चक्र में या अवायवीय श्वसन में या एरोबिक या कोशिकीय श्वसन में कुल कितने बनते हैं, तो एरोबिक एस्पिरेशन में या क्रेब्स चक्र में 36। और इस प्रकार से पूछेगा कि 1 मोल ग्लूकोज के या ग्लूकोज के 1 अणु के संपूर्ण ऑक्सीकरण के कितने एटीपी बनते हैं, तो 38 ATP। नेक्स्ट दोस्तों क्रेब्स चक्र के अंतिम पद में क्या परिवर्तित होता है, तो दोस्तों क्रेब्स चक्र के अंतिम पद में मौलिक अम्ल यानी कि मैलेट परिवर्तित होता है, जबकि शुरू पद में प्रारंभिक पद में क्या होता है, प्रारंभिक पद में आपका बनता है ऑक्सैलिक अम्ल जो एसिटाइल कोएंजाइम के परिवर्तित होने से पूर्व, जैसे कि साइट्रिक अम्ल चक्र में पाइरूविक अम्ल यानी कि ऑक्सैलिक से पूर्व किसे परिवर्तित होता है, एसिटाइल कोएंजाइम, उसके बाद ऑक्सैलिक अम्ल। तो जो क्रेब्स चक्र का प्रारंभिक उत्पाद होता है ऑक्सैलिक अम्ल होता है, और अंतिम पद होता है मैलिक अम्ल यानी कि मैलेट। एंड दोस्तों नेक्स्ट है यदि वायु में साधारण ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड से शीघ्रता से समायोजित होता है। नेक्स्ट है दोस्तों साइट्रिक अम्ल चक्र में पाइरूविक अम्ल ऑक्सैलिक से पूर्व किसमें परिवर्तित होता है, तो ऑक्सैलिक से पूर्व यह एसिटाइल कोएंजाइम ए में परिवर्तित होता है।
नेक्स्ट है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड की सर्वाधिक मात्रा रुधिर द्वारा किस रूप में संवाहित होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा ऑक्साइड की सर्वाधिक मात्रा जो है वह बाइकार्बोनेट के रूप में परिवहन होता है उसका, किसके रूप में? बाइकार्बोनेट के रूप में, यानी कि CO2 का जो परिवहन होता है 70% बाइकार्बोनेट के रूप में, 7% प्लाज्मा में घुलकर और 23% कार्बोमिनो यौगिक के रूप में। तो यहाँ पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की सर्वाधिक मात्रा रुधिर द्वारा किस रूप में समाहित होती है, तो सर्वाधिक मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा किस में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन सर्वाधिक मात्रा किस रूप में होती है रुधिर में, तो बाइकार्बोनेट के रूप में, किसके? बाइकार्बोनेट के रूप में। परसेंटेज में पूछेगा कितना परसेंट, 70%। ठीक है, तो जो बाइकार्बोनेट होता है 70% CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है तथा यह CO2 कोशिकाओं से कुपिकाओं में पहुंच जाता है। यह रक्त के पोटेशियम से मिलकर पोटेशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम से मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है और प्लाज्मा में घुलकर CO2, जो CO2 होता है प्लाज्मा में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है और यह 7% CO2 कार्बोनिक अम्ल के रूप में कोशिकाओं से कुपिकाओं में पहुंचता है एंड तीसरा होता है कार्बोमिनो यौगिक के रूप में। तो 23% CO2 कार्बोमिनो यौगिक के रूप में कोशिकाओं से कुपिकाओं में पहुंचता है। इस प्रकार हमने देखा कि CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में 70%, प्लाज्मा में घुलकर कार्बोनिक अम्ल के रूप में 7%, कार्बोमिनो यौगिक के रूप में 23% होता है। और फिर जो O2 का परिवहन किस में होता है, हीमोग्लोबिन से के द्वारा होता है, O2 का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। ठीक है, O2 समस्त शरीर में कोशिकाओं में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन के द्वारा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कठिन था बट आपको इसको समझना जरूरी है। एंड दोस्तों जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।